हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों के लिए एक है सरप्राइज, और बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आज मैं मॉर्निंग में ही वीडियो बना के अपलोड कर देती, लेकिन मेरी फैमिली पूरी नहीं थी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और इनके बिना कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। ये है तो सेलिब्रेशन है, तो बस इसी के लिए इनका वेट कर रहे थे हम, क्या ये आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक साथ आप लोगों को गुड न्यूज देंगे। वैसे तो बहुत लोग पहले भी मुझे विश कर चुके हैं, लेकिन हाँ, इनके साथ मैं एक बार आप लोगों को जरूर बताना चाहती हूँ। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और इसी खुशी में ये लोग मुझे बार बार कह रहे हैं रोना नहीं है, रोना नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो केक आ चुका है और बच्चे दम तरस रहे, परेशान है। 2 दिन से मुझे कह रहे थे मम्मी केक आएगा ना, मम्मी केक आएगा ना। हम बोले अच्छा ठीक है, तो ये लेकर आ गए हैं केक। तो चलिए पहले केक काट लेते हैं, उसके बाद मुझे आज थैंक यू बोलना है, तो वो बाद में बात करते हैं, पहले केक काट लेते हैं। तो चलिए खा खा के चले गए हैं, और मुझे आप लोगों से बात करना था, और मुझे थैंक्स बोलना था, और भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना था। पहले तो मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और मेरे हस्बैंड, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाती, और आज जो भी हूँ तो मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। उनको बहुत ज्यादा विश्वास था, और आज तक ना मैं कोई भी काम करती हूँ, मैं बोलती हूँ ये कर लूँ, तो वो कभी मुझे मना नहीं करते हैं। बस उनकी एक शर्त रहती है कि घर के अंदर जो करना है करो, कभी रोक टोक नहीं किए हैं। बस घर से बाहर वाला ऐसा कुछ भी उनको नहीं पसंद है। तो सबसे बड़ा थैंक यू उनका है। और एक यूट्यूबर है जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। जब मैं स्टार्ट में, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे ख्याल से मेरे 60 या 70 सब्सक्राइबर होंगे, इतने ही थे। तो मैं एक बार बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि बहुत छोटा सा घर है, किचन है, तो किचन में क्या था, पहले ट्राइपॉड भी कहीं रखने का जगह नहीं था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब तो ये है कि आप लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आया ना कि मैं अपना ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, और 1 महीना तक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो मेरी एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया था, ईशा जैदी, तो मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रही हूँ, और दिल से मैं उनका सही बता रही हूँ थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो टाइम ना उन्होंने ही मुझे खड़ा किया फिर से, और मुझे कमेंट करी, बोली कि ठीक है अगर आपका किचन छोटा है, आप नहीं ट्राइपॉड यूज करती हैं, ठीक है, जो है आप उसी में ब्लॉग बनाइए और अपना रूटीन शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आएगा, सबको पसंद आएगा, लेकिन हाँ, आपका जो भी रूटीन है आप वो शेयर करिए, सब कुछ हो जाएगा। उनके मैसेज में ना इतना ज्यादा अपनापन था, इतना ज्यादा सपोर्ट था ना, कि मैं फिर से खड़ी हो गई, और 2 दिन के अंदर ही मैंने फिर से अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिए थे, और उसके बाद फिर मैं रुकी नहीं, मैं कंटिन्यू रोज रोज वीडियो अपलोड करती थी। जैसे भी था मेरा घर, मुझे कोई भी शर्म नहीं आई, जो भी था मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, और आप लोगों का प्यार बहुत मिला। जो भी है मेरे घर में कभी किसी ने कोई भी शिकायत नहीं किया,
और सबने बहुत प्यार किया। मैं ये चीज के लिए तो मैं जरूर कहूंगी कि मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आपके घर ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और उसके बाद मैं मेघा का थैंक यू बोलना चाहूंगी। ये मेघा एक यूट्यूबर है और उसका एक चैनल है, काफी अच्छा चैनल है, दीपक दिया खन्ना ब्लॉग है। तो उसने ना, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में साइड में उसका लगा दूंगी और मैं, आप लोग भी देखिएगा कि उसने मेरी हेल्प कैसे की, जबकि मैं उससे नहीं जानती थी। मैंने एक बार पहले उसे देखा था उसके ब्लॉग को और काफी मुझे अच्छा लगा। और सिंगल मदर है और हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा की सीखने वाली चीज है कि वो लड़ाना कैसे मैनेज करती है। अब वो वही जानती है, बहुत स्ट्रांग है वो, और उसने मेरी हेल्प की बिना मुझे जाने पहचाने। तो मैं चाहती तो नेक्स्ट डे उसको थैंक यू बोलने के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती, थंबनेल लगा देती, टाइटल डाल देती और मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल सकते थे, व्यूज मिल सकते थे। लेकिन मैं उसका यूज नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे उंगली दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका हाथ पकड़ के लटक जाऊं। जब उसने मेरे वीडियो को शेयर किया ना, तो मुझे काफी अच्छे व्यूज आए और सब्सक्राइबर भी मुझे मिले थे, उसकी उसकी ही सपोर्ट से मुझे मिले। तो मैं और उसका यूज नहीं करना चाहती थी। तो मैं ये बात मन में था कि मैं जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं उसे थैंक यू जरूर बोलूंगी, सबके सामने बोलूंगी। मैं उसे इंस्टाग्राम पे भी और उसके चैनल पे भी जाके मैंने उसे थैंक यू बोला, लेकिन एक मन में वो था कि नहीं, उसे थैंक यू बोलना चाहिए सबके सामने। जब वो मेरी हेल्प की तो मैं, मुझे कोई भी शर्म नहीं है, उसने मुझे अपनेपन से सपोर्ट किया था। मैं उसके पास नहीं गई थी, कोई सहारा नहीं मांगने गई थी। तो ये सबसे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात है। जब मेरे 100 या 150 सब्सक्राइबर थे तो मैंने 2 यूट्यूबर से हेल्प मांगी थी। जैसे एक होता है कि हर कोई किसी का सहारा मांगता है, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तो आज मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा हुआ कि आपने मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो शायद अगर ये मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो भी जाते ना, तो एक मन में ये रहता कि मैंने मांग के लिया है। उसके बाद जब उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की ना, तो फिर एक मन में ये था कि मैं अपनी मेहनत से करूंगी। ठीक है, 6 महीना नहीं, साल भर लग जाएगा, लेकिन मैं खुद की मेहनत से चाहती हूँ सब्सक्राइबर, एक भी सब्सक्राइबर हो जो अपने से आए हो, दिल से आए हो, मुझे उनको बुलाना ना पड़ा हो। तो मैं आज वाकई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मैं फिर से मेघा का थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आप सबका बहुत 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 थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग का प्यार नहीं होता, आप लोग की दुआ नहीं होती, तो शायद ये दिन मेरे लिए नहीं होता। तो मैं सबको आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ और क्या कहूंगी, बस आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा कि मैं रोज ब्लॉग अपलोड कर सकूं। और जैसे मैं चलती आ रही हूं, जैसे मैं जैसी भी हूं, सिंपल हूं, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि आप जैसी भी हैं, सिंपल मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे भी ये लाइफ बहुत पसंद है। और जब मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी ना, तो भी मेरे मन में एक यही था कि मैं जैसी हूं वैसा ही ब्लॉग बनाऊंगी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टच नहीं दूंगी। क्योंकि मुझे भी ना, अगर कुछ वो हो जाता तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो बस यही है आज के लिए, आप सभी के लिए थैंक यू बहुत बड़ा वाला। मेरा 1000 सब्सक्राइबर कभी सोचे नहीं थे, कभी नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का प्यार है जो आज यहाँ पे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ। तो फिर जाने से पहले मैं एक बार फिर से ईशा आपका थैंक यू बोल रही हूँ और मेघा मैं तुम्हारा थैंक यू कह रही हूँ, तुमने बहुत सपोर्ट किया, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता है, तो थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए, फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेलिब्रेट मेरे साथ, एंजॉय करके, मेरी खुशियों में शामिल होके। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।